ये है एक स्पेशल कॉन्वर्जेशन हमारे साथ है BMW इंडिया के हेड द प्रेसिडेंट एंड द CEO मिस्टर रुद्रतेज सिंह. थैंक यू रूडी फॉर बीइंग हियर एंड हमारे आप स्टूडियो आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक्स. सबसे पहले ये जो दौर है ऑटो इंडस्ट्री के लिए आई थिंक लास्ट ईयर से इस साल तक जो थोड़ा स्लो डाउन हमने देखा है, क्या होप्स हैं इस बार फेस्टिव सीजन में? Can this be revived or do you think it will take longer than what we are expecting? देखिए स्वाति, मेरा मानना यह है कि हम लोग को मैजिक सॉल्यूशंस की खोज नहीं करनी चाहिए. इंडिया में जो हो रहा है वो एक मैक्रो इकोनॉमिक स्लो डाउन है. देर इज अ साइक्लिकल स्लो डाउन और ऊपर से रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं, जो सही रिफॉर्म्स हैं, वो सब एक साथ हुए हैं. सो साइक्लिकल स्लो डाउन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जब साथ आता है तो उसका इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा ही, और जो हमें मिल रहा है हर इंडस्ट्री में, हर कैटेगरी में देयर इज अ स्लो डाउन, सिर्फ ऑटो में ही नहीं है. फेस्टिवल सीजन में कुछ सेंटिमेंट इम्प्रूव करेगा, लेकिन लेट्स नॉट एक्सपेक्ट मैजिकल आउटकम जो लास्ट करेगा. धीरे धीरे करके ये साइक्लिकल स्लो डाउन बैक टू अपवर्ड ट्रेंड आएगा. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इज लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड, सो उसको थोड़ा टाइम लगेगा टू स्टेबलाइज. बट जैसे BS4 टू BS6 ट्रांजिशन आ रहा है ऑटो सेक्टर में, जब तक BS6 पूरी तादाद में अवेलेबल नहीं होगा, मेरे ख्याल से हमें ट्रेंड नहीं देखना चाहिए. ओके, वो अभी भी डिसरप्शन है मार्केट में, जो अभी भी एकदम इट्स नॉट अ गुड वे टू सी द ट्रेंड्स राइट नाउ. और फेस्टिवल के बारे में भी मैं बोलूंगा कि दिवाली का ट्रेंड मत देखिए. दिवाली के बाद जो होता है, जो 3 महीने दिवाली के बाद जो सेल्स होगी, उससे आपको अगले 15 महीने का ट्रेंड बेटर दिखेगा. ओके, फेयर इनफ. आई थिंक ये अच्छा चीज है क्योंकि इन दोनों चीजों से आप ऑब्वियसली ग्रोथ पाएंगे. जी हाँ. प्रोडक्ट्स की बात जरूरी होती है, एंड व्हेन यू टॉक ऑफ BMW ऑब्वियसली द एंटायर लाइनअप जो आपने अब तक दिया है, कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट, न्यू फेसलिफ्ट एंड रिफ्रेशेस एटसेट्रा, वो तो आ ही रहे हैं. जी. कोई गैप्स बचे हैं अभी या द होल लाइनअप इज हियर ऑलरेडी? देखिए, आई एम वेरी हैप्पी विद द पोर्टफोलियो. इट्स वेल पैकेज्ड एंड इट्स इट कट्स अक्रॉस द एंटायर गैमेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स. अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि आपको और बताऊँ कि हम और क्या कर रहे हैं, लेकिन वी विल कीप पुटिंग मोर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. बट राइट नाउ हमारा फोकस और मकसद होगा टू एग्जीक्यूट जो मार्केट में है, जो हमने लॉन्च किया है उसको अब एग्जीक्यूट करना है. क्योंकि अब आप अगर देखें पिछले कई सालों से हर साल हर लग्जरी मैन्युफैक्चरर 10 से 12 हम नई गाड़ी इंडिया में लॉन्च करेंगे, दैट वाज द हेडलाइन एवरी टाइम. तो ये आप कह सकेंगे अब जैसे हम 2020 में जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आई एम वेरी हैप्पी विद माई पोर्टफोलियो एज इट स्टैंड्स. अभी देखिए, अभी हमने लॉन्च कर दिया प्रोडक्ट, वो मेरे ख्याल से 5% हमने जॉब पूरा किया है. 90 से ऊपर 95% ऑफ द जॉब इज स्टिल लेफ्ट ऑन how to give great customer satisfaction, test drives, conversions, और वो करने के लिए अभी हमने desire create करी है. अब हमें लोगों को delight करना है. तो हमारा मकसद अगले 12 महीने सिर्फ delight in the market execute. दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे dealers जो हमारे partners हैं, उनको hand hold करना in this tough time is very important. So right now, next 12 months, all hands on deck. हम लोग सब travel करेंगे market, help करेंगे customer acquisition, customer delight में dealers को help करेंगे. Having said that, there will be some launches. I am not in the position to talk about it. But objective is to make the portfolio from entry level to super premium fully robust. अगर मैं बात करती हूँ आपके टू व्हीलर बिजनेस की, एंड आई थिंक उसने वहाँ पर भी आपने एंट्री ली. ऑफ कोर्स बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी थे, तभी भी द रिस्पॉन्स हैज बीन प्रीटी गुड, वेरी गुड एज आई एम टोल्ड. अब क्योंकि एक आपने पार्टनरशिप भी की है TVS के साथ, तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड वहां पर? BMW मोटरार्ड का एग्जैक्ट मकसद क्या होगा? देखिए, हमारी पार्टनरशिप हैज बीन वेरी सक्सेसफुल. वी वर एबल टू प्लग इन अ वेरी वाइटल एंट्री लेवल गैप फॉर आर पोर्टफोलियो विद द GS 310 रेंज. एंड ये पार्टनरशिप बहुत ही सक्सेसफुल रही है. TVS हैज ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज विच आर लोकलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग पार्ट्स अवेलेबल, एक्सेसिबल, चीपर इन इंडिया. And we have brought in our own engineering prowess, so we've created that GS product. ये partnership continue होगी मेरे हिसाब से. It comes back for renewal in a couple of years. We will renew that partnership. We are very confident that we have a portfolio जो तहलका मचा सकता है market में. ये जो hurdle है BS4, BS6 का, एक बार ये out of the way हो जाएगा, then we will have a lot more fun with our motorcycles. All the very best for the plans ahead. आपने जो सोचा है BMW में करने का, I hope and I
sincerely pray that happens. Thank you so much, Swati. Thank you. चलिए चलते हैं ऑटो